Assalamu alaikum, this is Dr. Arslan Akhtar Ali. I'm founder and CEO of Psychology Experts International Mental Health Organization. Being a doctor, हमें hospitals के अंदर beds के ऊपर कई ज्यादा ऐसे patients deal करने होते हैं जिनके आगे पीछे कोई लवाहकीन नहीं होते। अगर आप सही लोगों पे emotional investment करेंगे और सही time देंगे उनको, तो आपके मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक उनको जरिया बनाएगा और आप इस तरीके से hospital के bed पे अल्लाह ना करे अकेले नहीं लेटे हुए होंगे। This is Dr. Arslan Akhtar Ali. I'm founder and CEO of Psychology Experts. मैं जरा ड्यूटी करके बाहर आया तो आप ये देख सकते हैं कि नाजरी ये है आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर मरीज़ यानी यहाँ बच्चे बच्चियाँ देखता हूँ मैं रोज़ाना जब मैं बाहर आता हूँ तो लेटे हुए होते हैं ज़मीनों के ऊपर इसी तरीके से अपने इलाज के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तानी मेंटालिटी जो मैंने नोट की है कि वो गलत ट्रीटमेंट्स करवाते रहते हैं कि मेरा ताल्लुक मेंटल इलनेस और मेंटल इश्यूज के पेशेंट्स के साथ रहता है पूरा दिन, तो कि वो क्या करते हैं कि हकीमों की दवाइयाँ खाते रहेंगे और वो एंटीसाइकोटिक्स खाते रहेंगे जो कि जनरलाइज मेडिकेशन हैं। अब नफ्सियात की बीमारी में आपको बायो साइको सोशल तीनों क्लॉक्स पे काम करना है और बायो क्लॉक में भी वो मेडिसिन आपकी असर करेगी जो स्पेसिफिकली आपके लिए तैयार की जाएगी। जनरल या बुनियादी मेडिसिन जो कि दुकानों पे मिलती है वो काम नहीं करती। और अगर एंटीसाइकोटिक्स काम करें भी तो वो आपकी बायो क्लॉक को हील नहीं करती, क्यूरेबल्स नहीं होती, बल्कि वो सप्रेस करती है, इसलिए मसले और बढ़ने लग जाते हैं। जब कोई आपको सही मशवरा देने के लिए आता है, सही इलाज के बारे में बताता है, तब तक आप या तो फिर दूसरों के इनबॉक्स में जाने लग जाते हैं, दूसरों से पूछने लग जाते हैं और अपने मसले मसाइल इनबॉक्स पे जाकर बताने लग जाते हैं, जो कि एक सही हरकत नहीं है या आपकी जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसको खराब करने वाली बात है, या फिर आप लोग तब तक होपलेस हो चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं। जबकि लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको एंडलेस ट्राइज देनी होती है जिंदगी में वापस आने के लिए। फिर देखिए, जब वक्त पे अपनी हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, तो उन लाखों रुपए लगाने से पहले ही आप अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाएं। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अक्सर औकात हम डॉक्टर्स को बुरा भला भी कहते हैं कि हम लोग रूड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ है, तो इस वजह से जो भी कहानी आती है वो हमेशा गमगीन होती है और पेनफुल होती है। तो उसके बाद जब डील करना होता है पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, तो उसमें हमारी मजबूरी होती है कि जब 18-18 लोग इकट्ठे आके खड़े हो जाते हैं या मोबाइल फोन्स पे आप लोग मैसेजेस करने लग जाते हैं और वो जो ट्रीटमेंट का तरीका एक और ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन वो सख्ती दिल से नहीं होती, वो आपके भले के लिए ही होती है। कि फॉरेन कंट्री में तो ऑलरेडी लोग वेल ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड हैं, अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को डील कर रहा है तो आप यकीन कर रहे हैं अगर 100 बंदा भी खड़ा है तो वो खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा अपनी बारी का। यहाँ थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं और थोड़ा सा जरा हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, डॉक्टर्स बहुत कम हैं और क्लाइंट्स और मरीज बहुत ज्यादा होते हैं।